ना सिर्फ रक्स की दुनिया का बड़ा नाम बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म जो है उसकी कोरियोग्राफी इस नाम के बगैर अधूरी रहती है। आपका तारुफ कराते हैं बहुत अजीम इंसान, अपने काम में महान हस्ती, पप्पू सम्राट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? आपका मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है, पाकिस्तान बनने से पहले, जब माइग्रेशन से पहले, मेरे दादा आशिक हुसैन सम्राट साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान से सम्राट का टाइटल लिया, सम्राट के माने किंग, किंग ऑफ द डांस का टाइटल उन्होंने हासिल किया। तो उसके बाद माइग्रेशन के बाद फिर वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान में भी पहले उन्होंने बहुत सारी एज हीरो फिल्म की, एज कोरियोग्राफर भी, एज हीरो भी बहुत फिल्में उन्होंने की। तो फिर पाकिस्तान आके उन्होंने एज कोरियोग्राफर काम किया, एज एन एक्टर भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और फिर उनके जो छोटे भाई मास्टर सदीक सम्राट साहब, फिर उनकी बहुत सारी फिल्में हुई, जैसे नागबनी, उमराव जान, तहजीब और बहुत और बहुत सारी इस टाइप की। फिर मेरे अब्बा अकबर हुसैन सम्राट साहब, तो फिर उन्होंने शागिर्दी की मेरे दादा मास्टर सदीक सम्राट साहब की, फिर उनकी बहुत सारी फिल्में आईं, बहुत सारा नबा काम। एज असिस्ट कौन सी फिल्म पहले की? मास्टर सदीक साहब को मैंने असिस्ट किया, मेरे दादा जो थे उनको असिस्ट किया, फिर मैंने अपने भाई खान सम्राट साहब को असिस्ट किया। तो जो मैंने स्टार्ट किया वो मास्टर सदीक सम्राट साहब के साथ किया, दिल मादा, जिसमें मैंने समझा कि प्रॉपर असिस्ट करना शुरू किया। तो वो मेरी ज़िंदगी का समझे कि मैं उस सेट पे पहली दफ़ा गया। कंप्लीट कोरियोग्राफर कौन सी फिल्म थी, किस डायरेक्टर के साथ की और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक जो मेरा जो स्टार्ट था वो पश्तो फिल्मों से था। मेरे फादर कोरियोग्राफर थे, उनके दोस्त थे बहुत सारे लोग, तो पश्तो फिल्म के डायरेक्टर्स, मैं उनका एहसानमंद हूँ, उन्होंने मुझे काम सिखाया। और सईद अनसख सईदी साहब एक डायरेक्टर थे और उनकी फिल्म में मैंने पहली दफ़ा कोरियोग्राफी का काम शुरू किया। टोटल फिल्म पश्तो में की उस वक्त 200-300 फिल्म से। तो कैसे पंजाबी की तरफ कैसे आए फिल्म? और फिर जब पश्तो के जो गाने जब चलते थे, अब तो खैर हॉल में गाने नहीं चलते, उस वक्त गाने चलाया करते थे लोग ना, तो उन गानों में थोड़ी सी कोई किसी को कुछ नज़र आया हमारे में, तो फिर उन्होंने किसी ने, जिस जब कोरियोग्राफर नहीं आते थे कोई, या कोई बीजी, उस वक्त तो बहुत मसरूफ लोग थे, तो जब वो कोई नहीं आते तो फिर हमें बुला लिया करते थे कि यार ये भी ठीक है यार, इसको बुला लो यार, इससे काम करवा लेते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आना शुरू हो गया कि यार ये काम थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। फिर जो हमें जहाँ से साख हमारी बनी वो थे इकबाल कश्मीरी साहब, मरहूम अल्लाह ताला परवरदिगार आलम उनको जन्नतों में जगह अता फरमाए, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। और उस फिल्म को, उस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि पहली पंजाबी फिल्म थी नदीम साहब की, नदीम साहब ने भी उसमें प्रोड्यूस किया था, वो उसमें प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म को। तो वो फिर फिल्म हमें मिली, मुझे और खानो भाई को, दोनों को, उसमें बाबरा शरीफ साहबा थी और नदीम साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार लोग थे। तो वो फिल्म हमारी बहुत सक्सेसफुल हुई, उसमें हमारे डांसेस को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद फिर चल से चल हो गई, फिर तकरीबन फिर अल्लाह पाक पर दिया ने अरूज। आपने हर डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा मेरे ख्याल, जैसे मंडल संगीता हैं, सैयद नूर साहब हैं, फैसल बुखारी हैं, शहजाद रफीक हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं काम, जावेद फाजिल साहब के साथ भी, सबके साथ काम किया, फैसल रहमान साहब के साथ भी किया, सबके साथ। सही। अच्छा, अब ये बताइए कि बहुत सी अदाकारों को आपने कोरियोग्राफ कराया फिल्म्स में, किसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा? अंजुमन बेगम के साथ सुना है आपका बड़ा अच्छा इंटीमेसी थी, सायमा बेगम, तो उसके बाद देखिए अंजुमन बेगम एक स्टार का नाम है, तो स्टार के साथ काम करने से वैसे हमें भी इज्जत मिली, क्योंकि हमारे सीनियर थे, अब से जूनियर नहीं थे वो, हमारे सीनियर थे, उनके साथ काम करके हमें इज्जत मिली, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि वो अच्छे लोग थे, अच्छा काम करने वाले लोग थे, बड़े हम्बल और बड़े तहजीब वाले लोग थे, जिनको काम करना भी आता था और काम लेना भी आता था। तो अदरवाइज़ जो बड़े डायरेक्टर थे
वही हमारे लिए तो काफ़ी थे कि हमें उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस उनसे आपने गेन उनसे एक्सपीरियंस भी मिला, फिर सीखने को बहुत सारी बातें मिली, क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए, इसकी इस गाने की टेकिंग कैसे होनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों से फिर सीख कर आज यहाँ खड़े हैं। अजीम सिलसिला जारी रहेगा और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। आपको पता है एक बड़ी हस्ती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आपके सामने मौजूद है, लेकिन हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। आपने मेरे बारे में पूछा कि मुझे कौन से पसंद है, यकीन जानिएगा इस वक्त मैंने आज तक जितनी फिल्में भी की है, अगर 1200-1500 मैंने फिल्म की है, इसमें से मुझे अपना एक गाना भी पसंद नहीं है। टोटल वैसे कितनी है नंबर ऑफ फिल्म्स आपकी इस वक्त? मुझे गिनती में नहीं आती है, अक्सर 1200-1300 के करीब हो गई होंगी। लेकिन टोटल हुआ जो ऐसा मेरे नॉलेज के मुताबिक है कोई 34 ईयर्स पे मुहित है आपका अभी तक? जी 34-35 में मैंने स्टार्ट किया, 38 ईयर्स बनता है टोटल। ठीक है, कैसे गुजर गया ये भी नहीं पता लगा जिंदगी का, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल अरूज था, एक एक फ्लोर में हर फ्लोर बिजी हुआ करता था, वो शानू स्टूडियो हो, वो ए बारी स्टूडियो हो, वो एम स्टूडियो हो, वो एवन स्टूडियो, किसी स्टूडियो में जगह ही नहीं थी, जगह नहीं होती तो। लेकिन खैर अल्लाह पाक परवरदिगार बड़े बेहतरीन करने वाले हैं, वो बेहतर समझने वाले हैं, बेहतर देखने वाले हैं, वो मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। और कोई यादगार वाकया सुनाइए कोई जिससे आपको मतलब सीखा भी हो और तंज व मज़ा में भी रह गया। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार जब तक पप्पू नहीं आता है तो आप हमारा काम कर दो। तो उधर आर्टिस्ट को लेट थे तो डायरेक्टर ने उनको इजाज़त दे दी कि जी आप जाके उनके 2-3 शॉट ले लो, तब जब तक पप्पू आ जाएगा। तो खैर मैं मेरी बात हुई उनसे खानू भाई से कि मैं रास्ते में हूँ, और उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। लो जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बड़ा इंजॉय करके मैं स्टूडियो तक पहुँचा हूँ और मैं ऐसे फ्लोर के अंदर घुसा हूँ बस बड़ा खुश खुश। तो एकदम 2-3 punch जोरदार किस्म के आए जिससे मेरी ये आँख सूज गई और 2-3 ठुडे मार के और बाहर चले गए। फ़ोन बंद कर देते और ये कर देते बैटरी खत्म होती थी ये वो। खैर उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और वो बाहर चले गए। अब एवरिजन शूटिंग करनी थी उन्होंने तो जेबा और जो सोच के थे वो बैठ जाओ यार पानी पिलाओ इसको। मैं क्या भाई ये मुझे आदत है रोज़ की ये मार खाने की, मुझे रोज की आदत है, कोई इतनी कोई ये थी वो कया हो गई। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए, मैं इजी हूँ, चले आए शूट करते हैं। तो वो फिर उनकी आदत थी, वो कभी भी कुछ कर लेते थे। 1200-1300 फिल्में करने के बावजूद भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ कि कोई आपको किसी आर्टिस्ट के ऊपर देखा बैठे हों या किसी आर्टिस्ट ने प्रपोज किया हो, क्योंकि कोरियोग्राफर के साथ एक बड़ी इंटरेसी होती है। मैं वेरी रोमांटिक पर्सन, मुझे बिल्कुल हमें पता है, नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी मैं नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं इंसान हूँ और आम इंसान हूँ, आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे भी बहुत लोगों से प्यार हुआ, बहुत लोगों को मुझसे प्यार हुआ, लेकिन जो है ना कि वो वक्त गुजरता गया। लेकिन काम भी साथ कहीं साथ कहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जी काम डिस्टर्ब नहीं हुआ उसके काम से। मैं ये समझता हूँ जो अब मुझे समझ आई, उस वक्त तो शायद मुझे नहीं आई, लेकिन जो मुझे अब समझ आई है
कि ये काम किसी को भी कबूल नहीं करता अपने अलावा। सही। अपना शरीक बनाना ही नहीं चाहता किसी को। ये ऐसा काम है, ये 24 आवर्स की जॉब है, अगर तो आप काम कर रहे हैं तो। और अगर आप फन भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वो लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो सब कुछ करते हैं और काम भी कर रहे हैं। मुझसे नहीं हुआ ऐसा। मैसेज 2021 के लिए, 2020 का जो जो गुजरा है ये बहुत सख्त साल था। अल्लाह परवरदिगार पाकिस्तान को बल्कि दुनिया पूरी को इस अजाब से निजात दिलाए मेरा मालिक। और लोगों को जिनके घर में मरता है पता, उनको लगता है कि हुआ क्या है, तो इतनी दुनिया मर गई है, इतनी दुनिया को नुकसान हुआ, इतनी दुनिया हॉस्पिटल में है। मेरा मालिक अल्लाह परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में ये इस बीमारी से निजात दिलवाए सारे दुनिया को, और दोबारा से खुशियाँ लौट आएँ ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सकें। पप्पू सम्राट साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। कैमरा टीम दानिश प्राचा के साथ अली आबदी।